हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शंकरपारी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही एक खस्ता बन के रेडी होते हैं, बहुत ही इजी है बनाने में। मैं आपको एक इसमें का तोड़कर भी बताती हूँ। ये देखिए, एकदम खस्ता क्रिस्पी एक शंकरपारी बन के रेडी हो गई और बहुत ही ईजी मेथड है, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने इस वीडियो में बताया, तो आप ज़रूर इसे एंड तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ पे एक परात के अंदर मैंने 4 कटोरी मैदा लिया है, जो एग्जैक्टली आधा किलो जितना मैदा है। यहाँ ये पूरा मेजरमेंट मैं आधा किलो मैदे के हिसाब से बता रही हूँ, आपको जितना बनाना है उस हिसाब से आप आगे के मेजरमेंट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और इसे मैंने मिक्सर जार के अंदर डालकर इसको एकदम बारीक पाउडर मैंने बना लिया है। अब इस चीनी को मैंने इसके मैदे के अंदर ही डाल दिया है और उसमें डालकर अच्छे से मैंने पूरा इसे मिक्स कर कर ले लिया। मैदा और चीनी अच्छे से हमें मिक्स कर कर ले लेना है। अब इसके अंदर हम एक होल कर लेंगे और इसके सेंटर में हम आधा कटोरी जितना घी डालेंगे। घी को हमें पिघला के लेना है, घट घी नहीं लेना है। आधा किलो मैदे में हमें आधा कटोरी जितना घी लगेगा। घी डालकर अच्छे से मैंने आटे के अंदर इसे मिक्स कर कर ले लिया है और अच्छे से हमें इसे मसलना है, ताकि मैदे में घी अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके हर कण में मिक्स हो जाए। और अब जब हम इसे मुट्ठी बनाएंगे तो ये देखिए, ये बिखर नहीं रहा है, ये बाइंड हो जा रहा है, मतलब परफेक्ट इसका घी ये मोन का हमने इसमें डाल दिया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले एक सॉस पैन में मैंने 1 कटोरी जितना दूध ले लिया है। अब ये दूध को हमें गरम कर लेना है, बहुत ज़्यादा हमें बॉइलिंग हॉट इसे नहीं करना है, बस इतना गरम चाहिए कि हम जब हम उसमें उंगली डालें तब हम उस टेम्परेचर को हम एडजस्ट सहन कर सकें, इतना ही गरम हमें ये दूध चाहिए। ये हमारा दूध गर्म हो गया। अब इस मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दूध या मैदे के अंदर डालकर इसे आटा गूंथना शुरू कर दिया है। एक साथ बहुत सारा दूध मत डालिएगा, वरना आटा नरम पड़ जाएगा। हमें इसका टाइट आटा गूंथ के लेना है, नरम आटा बिल्कुल नहीं लेना है, वरना शंकरपारे अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते हुए मैंने इसका आटा गूंथ कर ले लिया है। अच्छे से हमें मसलते हुए मठारते हुए ये आटा गूंथना है। बहुत ही इजी, बहुत ही एकदम परफेक्ट रेसिपी है, ट्राइड एंड टेस्टेड, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते हुए अच्छा टाइट आटा गूंद के ले लिया है, बहुत ज़्यादा मठाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा आटा रेडी है। अब इसे ढककर हम आधे घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। अब जी मैंने 1 कटोरी भरकर दूध लिया था, इसमें से देखिए इतना 1/4 कटोरी जितना दूध बच गया है, तो मुझे टोटल 3/4 कटोरी जितना दूध लगा है आधा किलो आटे को गूंदने के लिए। अब यहाँ पे आधा घंटा रेस्ट करने के लिए मैंने छोड़ दिया था और आधे घंटे के बाद फिर से मैंने आटे को अच्छे से एक बार मठार लिया है। ये एकदम सॉफ्ट आटा गूंद के रेडी नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें चीनी डाली और साथ में हमने इसे दूध से मठारा है। दूध की जगह आप पानी का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा इसमें से ले लिया है और इसे मैंने अच्छे से फिर से मठारना शुरू कर दिया है। यहाँ पे 1-2 मिनट मैंने ये आटे को मठार के ले लिया और फिर इसे पाटे पे ले लिया और एक बार फिर से एक बार थोड़ा सा मैंने ये आटे को मठार लिया और फिर इसकी मैंने एक रोटी बेलनी शुरू कर दी। हमें बहुत ज़्यादा पतली रोटी बेलनी नहीं है, थोड़ी सी थिक रखनी है, ताकि जब हम उसे तले तो उसके अच्छे लेयर्स दिखे हमें और उसे एकदम खस्ता शंकरपारे बन के रेडी हो। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी थिक रोटी बेल के ली है। यहाँ पे आप देख सकती हो कि इसके साइज एकदम प्लेन नहीं है, इसे फटे हुए हैं, तो ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमने दूध से आटा उसना है और इसमें चीनी भी है। एक बार जब हम ये रोटी को अच्छे से बेल लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ज़्यादा पतली नहीं बेल के ली है, हल्की सी थिक रोटी मैंने बेल कर ली है। अब इसके जो साइड्स है, ये साइड्स को हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे और इसे एक स्क्वायर शेप में हम कट कर लेंगे, ताकि इसके जो भी जो ये रफ एजेस है वो निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने ये कट कर कर ले लिया है। अब जो ये सेंटर का पार्ट है उसके हम छोटे छोटे पीसेस करके ले लेंगे शंकरपारे के लिए। वो साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो। इसके हम छोटे छोटे पीसेस करके ले लेंगे। अभी आप देख सकते हो मैंने ये थिकनेस के शंकरपारे बना के रेडी किए हैं, एकदम परफेक्ट। तो अभी हम इसे क्या करेंगे, एक चाकू की मदद से इसे रिलीज़ कर देंगे और ये पूरे शंकरपारे को मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल कर ले लिया है और इसे हल्का सा खुला खुला कर दिया है, ताकि जब तक हम दूसरे शंकरपारे बेल के ले ले ये हल्के से ड्राई हो जाए।
ये देखिए हमारे शंकर पारे का एक बैच रेडी है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और इसी तरीके से मैंने जो बाकी का आटा था उसमें से भी थोड़ा थोड़ा आटा लेकर उसे अच्छे से मठार कर उसकी रोटी मोटी सी बेल के उसके मैंने शंकर पारे बना कर ले लिए हैं और उन्हें भी प्लेट में मैंने डाल कर ले लिया है। ये बनाने को बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है, 20 से 25 मिनट में आपके पूरे शंकर पारे बेल के रेडी हो जाते हैं। ये लीजिए हमारे पूरे शंकर पारे बेल के कट होकर रेडी हो गए हैं एकदम परफेक्ट और ये हल्के से ड्राई भी हो गए हैं। तो चलिए अब हम ये शंकर पारे को फ्राई कर ले लेते हैं। मैंने कढ़ाई के अंदर तेल गरम होने के लिए रख दिया था, हमें बहुत ज़्यादा एकदम हॉट ऑयल गरम नहीं करना है, मीडियम हॉट ऑयल हमें चाहिए। जब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसमें आटा डाला तो आप देख सकते हो हल्के हल्के बबल्स के साथ ये ऊपर आए, बस यही टेम्परेचर का हमें चाहिए। और फिर गैस की फ्लेम को स्लो करके मैंने थोड़े से इसमें शंकर पारे डाल दिए और इसकी फ्लेम को मैंने स्लो टू मीडियम कर दिया और उसे फ्राई होने दिया है। जब आप तेल में ये डालोगे तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे क्योंकि हमने इसे दूध से गूंथा है। जब आप इसे फ्राई करोगे तो ये स्टार्टिंग में बहुत सॉफ्ट हो गया, आपको एकदम लाइट हैंड से इसे फ्राई करना है। पर जैसे जैसे ये फ्राई होना शुरू होंगे, ये ब्राउन होने शुरू होंगे, इसमें स्टिफनेस ये कड़क होते जाएंगे। आप देख सकते हो लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है और इसका कलर कितना अच्छा गोल्डन कलर का आना शुरू हो गया है। ये हमारा परफेक्ट कलर आ गया है शंकर पारों का। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे फ्लेम को एकदम स्लो कर देंगे और ये पूरे शंकर पारे को हम निकाल कर ले लेंगे। यहाँ पे मैंने पूरे शंकर पारे को निकाल कर जाली की प्लेट में हम डाल देंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा तेल अगर होगा तो वो निकल जाएगा और ये सौगी भी नहीं होंगे, एकदम अच्छे कड़क हो जाएंगे। जब आप इसे फ्राई करके निकालोगे वो टाइम पे भी आपको लग सकता है ये शंकर पारे थोड़े सॉफ्ट है, पर जब ये ठंडे हो जाएंगे तो वो एकदम क्रिस्पी और खस्ता बन के रेडी हो गए। इसी तरीके से मैंने बाकी के शंकर पारे भी थोड़े थोड़े करके तेल में डालकर लो टू मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई करके ले लिया जब तक कि ये अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर के न हो जाए। ये लीजिए हमारे पूरे शंकर पारे मैंने फ्राई कर ले लिए हैं, लग रहे हैं ना एकदम मस्त और एकदम टेस्टी। और आप इसके लेयर्स भी देख सकते हो शंकर पारे के अंदर एकदम मस्त वो दिख रहे भी है। और अब मैं इसमें का एक आपको तोड़कर भी बताती हूँ कि कितना एकदम खस्ता और टेस्टी ये बन के रेडी हुए हैं। ये देखिए एकदम तोड़ रही हूँ तो आराम से ये टूट जा रहे, एकदम खस्ता और एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है, मीठा और मोइन का एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में, तो आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इस दिवाली इसे ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, बाई की रसोई को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना ताकि आपको आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।